मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर वेल एट होम। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अवर लास्ट चैप्टर इन दिस यूनिट, दैट इज़ द रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। यानी जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सांस कैसे लेते हैं, उनका सांस लेते हैं तो उससे हमारी बॉडी को क्या प्रॉफिट होता है, यानी उसमें क्या वर्क होता है, वो सब चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो रेस्पिरेशन, व्हाट डू यू मीन बाय रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन जिसको जो हम सांस लेते हैं, दैट इज़ इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। यानी सांस हम अंदर लेते हैं या हम सांस छोड़ते हैं, उसको क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक है हमारे चैप्टर का, दैट इज़ व्हाई डू वी रेस्पायर। हम सांस लेते ही क्यों हैं, इसका क्या रीज़न है? क्या हम सांस लिए बगैर रह सकते हैं? नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि जो हम सांस लेते हैं उससे हमें क्या आते हैं, हमें हमारी बॉडी को ऑक्सीजन प्रोवाइड होती है। ऑक्सीजन हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे फूड को क्या करती है, ब्रेक डाउन करती है, और उसको आगे हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने में भी क्या करती है, हेल्प करती है। सो व्हाई डू वी रेस्पायर, ये आपको पता लग गया है, क्योंकि ये क्या करती है, हमारे लिए एसेंशियल है। जैसे हम कहते हैं कि हमारी लिविंग के लिए एसेंशियल टू थिंग्स है, दैट इज़ वाटर एंड ऑक्सीजन। फूड इज़ ऑल्सो एसेंशियल। तो वो कह रहे हैं कि सांस हमारे लिए ज़रूरी क्यों है, क्योंकि ये हमारी लिविंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हमें क्या मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स लिविंग हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं या ह्यूमन बीइंग हैं, वो क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं। चाहे वो रेस्पायर हर टाइम करते हैं, यानी सांस हर टाइम लेते हैं, इवन वैन दे आर ईटिंग, यानी खाना खा रहे हो, चाहे स्लीपिंग यानी सो रहे हो, चाहे रीडिंग या फिर कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना कर रहे हो, बैठे भी हो आराम से, तो भी क्या करते हैं, रेस्पिरेशन क्या होती है, हमारी होती रहती है। इसके बिना हम नहीं रह सकते। सो रेस्पिरेशन से हमारी बॉडी को हेल्प क्या मिलती है? रेस्पिरेशन द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं, आपको पता है हमारी बॉडी किससे बनी हुई है, स्मॉलेस्ट यूनिट दैट इज सेल, उसके अंदर क्या होता है, जब ऑक्सीजन जाती है तो क्या होता है, फूड का ब्रेक डाउन होता है, और वो क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द सेल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर सेल है, उसके अंदर क्या होती है, ये रेस्पिरेशन होती है। इसमें क्या होता है, जो सेल है वो फूड को क्या करता है, यानी फूड के अंदर क्या, आप हमने जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था, उसके अंदर हमने पढ़ा था कि ग्लूकोज उस फूड के अंदर प्रेजेंट होता है, जो उसको क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। तो ब्रेक डाउन इंटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग ऑक्सीजन। वो क्या कह रहे हैं कि सेल के अंदर जो फूड होता है, फूड ब्रेक डाउन होता है और उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज़ होता है और ऑक्सीजन रिलीज़ होती है। ये ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज क्या होता है, किसकी हेल्प से होता है, ऑक्सीजन की हेल्प से होता है। जो हम सांस लेते हैं, जो हमें ऑक्सीजन मिलती है सांस लेते टाइम, वो ऑक्सीजन क्या हेल्प कर रही है, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने में हेल्प कर रही है। जब फूड का ब्रेक डाउन होगा ऑक्सीजन की हेल्प से, उसे क्या बोलेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन। जब फूड का ब्रेक डाउन किसकी हेल्प से होगा, ऑक्सीजन की हेल्प से होगा, उसे बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। और जब विदाउट ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन के बिना ब्रेकडाउन होगा फूड का, उसे क्या बोलेंगे, एनारोबिक रेस्पिरेशन। यानी आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो एरोबिक और एनारोबिक में, दैट इज़ जिसमें ऑक्सीजन का यूज़ होता है दैट इज़ एरोबिक, जिसमें ऑक्सीजन का यूज़ नहीं हो रहा है उसको एनारोबिक। सो फर्स्ट हम रीड करेंगे, अगर खाना खाने का ब्रेकडाउन यानी फूड का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन की वजह से हो रहा है, दैट इज़ उसको ग्लूकोज को किस में चेंज करेगा ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। यानी कार्बन डाइऑक्साइड तो एक्सहेलेशन, यानी जब हम सांस छोड़ेंगे उसके अंदर निकल जाएगी, वाटर और एनर्जी की फॉर्म में रिलीज़ होगा। बट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर जब ऑक्सीजन के बिना जब खाने का ब्रेकडाउन होता है, दैट इज़ एनारोबिक, तब क्या रिएक्शन होती है, दैट इज़ ग्लूकोज किस में चेंज होता है, एल्कोहल में, कार्बन डाइऑक्साइड में या फिर एनर्जी के अंदर। इन तीन चीज़ों के अंदर क्या होता है, जो ग्लूकोज है वो डिवाइड होता है। हम ये कह रहे हैं कि ऑक्सीजन के बिना तो ब्रेकडाउन हो ही नहीं सकता, क्योंकि सांस तो हम हर टाइम लेते हैं। कई बार क्या होता है, हमारी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। लाइक इसमें दिखाया हुआ है कि कोई पर्सन दौड़ रहा है यानी रन कर रहा है, तो रन के टाइम क्या है, आपकी सांस फूल जाती है। उसका रीज़न क्या होता है कि आपकी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी की क्या होती है, ज़रूरत होती है। उसके लिए क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर इतनी ऑक्सीजन नहीं जा पाती है कि खाना क्या हो ब्रेक डाउन करके हमें उतनी एनर्जी को प्रोवाइड कर सके। तो क्या होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है कि ग्लूकोज डिवाइड होता है, और क्या होता है,
कि हमारी बॉडी को एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड की जाती है। ये एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हो जाएंगी, जैसे हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं, फास्ट रनिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, वॉकिंग फॉर मैनी आवर्स और हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं, इनकी वजह से क्या होता है हमारी बॉडी को हैवी एनर्जी की डिमांड होती है। तो इस एनर्जी की डिमांड को कौन फुलफिल करता है, एनारोबिक दैट इज़ एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन में। इसमें क्या होता है ग्लूकोज चेंज होकर लैक्टिक एसिड और एनर्जी क्या करता है हमारी बॉडी को प्रोवाइड करता है। आप देखोगे कई बार आप ज़्यादा भागते हो या ज़्यादा दौड़ने की वजह या वेट लिफ्टिंग की वजह से आपकी बॉडी में क्रैम्प्स आ जाते हैं, यानी आपको लगता है कि हमारी बॉडी के अंदर गांठें बन गई हैं। उसको वो किसकी वजह से होता है, इसी वजह से होता है कि जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की वजह से जो हमारी बॉडी के अंदर ब्रेकडाउन हुआ है वो क्या करता है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है हमारी बॉडी के अंदर, वो क्या स्टोर हो जाता है हमारी बॉडी के मसल्स के अंदर और क्या करता है क्रैम्प्स प्रोड्यूस करता है। ये क्रैम्प्स क्या है, हम कैसे इससे रिलीफ पा सकते हैं, हम पा सकते हैं हॉट वाटर शावर से, यानी हम चाहो अगर गर्म पानी से नहाते या मसाज से। इससे क्या होगा, जो ब्लड सर्कुलेशन है हमारी बॉडी के अंदर वो क्या हो जाएगा, दोबारा से प्रॉपर हो जाएगा और हमारी बॉडी क्या हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएगी और क्रैम्प्स क्या है हमारे ठीक हो जाएंगे और हमारी जो बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी वो क्या हो जाएगा, सर्कुलेशन की वजह से उनको प्रॉपर ऑक्सीजन मिल पाएगी और क्या हो जाएगा ये हमारे क्रैम्प्स क्या है वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ ब्रैथिंग। ब्रैथिंग का मतलब क्या है, अभी मैंने बताया कि जो हम सांस ले रहे हैं दैट इज़ द ब्रैथिंग। ब्रैथिंग मीन्स टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट द एयर इन रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, यानी वो मेथड जिसके अंदर हम क्या लेते हैं, सांस लेते हैं और उसके अंदर जो हम सांस ले रहे हैं, सांस लेते टाइम तो हमारी जो एयर अंदर जा रही है उसके अंदर सबसे ज़्यादा अमाउंट किसका होगा, ऑक्सीजन का, और जो आउट रेट जा रही है यानी एयर हमारे जो हम छोड़ते हैं यानी एक्सहेल करते हैं उस टाइम उसके अंदर अमाउंट किसका ज़्यादा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का। जो ऑक्सीजन हम इनहेल कर रहे हैं यानी अंदर लेते हैं उसको बोलते हैं इनहेलेशन, जो हम बाहर छोड़ते हैं दैट इज़ द एक्सहेलेशन। इट इज़ अ कंटिन्यू प्रोसेस विच गोज़ ऑन द ऑल द टाइम थ्रू आउट द लाइफ इन द ऑर्गेनिज्म, यानी जब तक हमारी लिविंग है तब तक हम क्या करते हैं इस मेथड से हम सांस ले पाते हैं। ब्रैथिंग रेट क्या होती है कि एक मिनट के अंदर एक नॉर्मल इंसान यानी एक हेल्दी पर्सन कितनी बार ब्रेथ लेता है वो दैट इज़ द ब्रैथिंग रेट, दैट इज़ द नंबर ऑफ टाइम अ पर्सन ब्रेथ इन अ मिनट इज़ टर्म्ड एज द ब्रैथिंग रेट, यानी एक मिनट में कितनी बार एक इंसान सांस लेता है दैट इज़ नोन एज द ब्रैथिंग।